हेलो गुड मॉर्निंग, कैसा आप सभी लोग, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो भैया अभी यहाँ पे सुबह के 10 बज चुके हैं और मैं यहाँ पे आ रखा हूँ आई तक घर पे, कुछ जरूरी काम से आ रखे हैं आज हम। और ये बताएगा आपको क्या जरूरी काम से आए हम भाई। स्ट्रॉबेरी तोड़नी है आज, किसी खानी है आज स्ट्रॉबेरी। तो भाई इसने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी का जो बहुत पेड़ जो भी कही उसने वो लगा रखा है, तो उसमें सामने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी लगी हुई है, दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। ये देखो भाई यहाँ पे स्ट्रॉबेरी लगी हुई है, हाथ की स्ट्रॉबेरी। दिखा तो भाई अभी हम तोड़ रहे हैं स्ट्रॉबेरी, इसको तोड़ दे। अभी तो बाकी तो पकी नहीं आ रही, मैं अभी एक ही और की है लाल। तो कुछ ऐसी यहाँ पे स्ट्रॉबेरी है, तो भाई कुछ ऐसे यहाँ पे ये स्ट्रॉबेरी ऐसे लाल लाल सी, बस इसको अब काटते हैं और टेस्ट करते हैं कैसी होती। अभी धोते हैं भाई इसको। ओहो क्या लाल स्ट्रॉबेरी यार, भाई स्ट्रॉबेरी टेस्ट कर लिया भाई साहब। इसका स्वाद जो है, मैंने पहली बार घर की स्ट्रॉबेरी खाई है, वो भी इसके हाथ से उगाई हुई स्ट्रॉबेरी। और इसका जो टेस्ट है भाई, इतना मस्त टेस्ट आ रहा है, एकदम जैसे वो नहीं होता है, इसका टेस्ट भी आ रहा है, खट्टा मीठा, मतलब मस्त टेस्ट आ रहा है। खुशबू तो क्या बोलो भाई, एक घंटे तक मैं खुशबू सूंघ रहे थे। अभी हम यहाँ पे जा रहे हैं अपने गाँव के नीचे गदेरे में, कुछ काम से आ रहे हैं हम गदेरे में। और मतलब शायद सोते हैं मछली पकड़ने का प्लान बारे में, यार मछली पकड़नी अच्छी बात है नहीं, और हम ऐसे जा रहे हैं, हम ऐसे टेस्टिंग में जा रहे हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि बहुत टाइम से हम गदेरे गई नहीं है। और तो मैं फ़ोन लेके नहीं जाऊँ क्योंकि यार पानी होता है वहाँ कहीं, क्या पता पानी में गिर जाए फोन, क्या पता कुछ आए। फिर अपने काम में हमारा भाई मन भी लगता है अगर फोन साथ में रहे, कि फोन गिरने के डर ये वो डर रहती है। अभी मैं फोन घर पे छोड़ूंगा चार्जिंग में, उसके बाद दिन में अपना ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे, बाकी अपडेट्स आपको मिल जाएंगे साथ में। और क्या देख रहा है कैमरे में, घुर घुर के है भाई, मुझे ऐसे देख रहा है कैमरे जैसे कि उसको मेरे को सामने पर देखा नहीं होगा, कैमरे में देख रहा है मेरे को, ये देखो कैमरे में देख रहा है। तो भाई अभी यहाँ पे हम गदेरे से आ चुके हैं यार, जो अपना वो काम करने गए थे ना मछली वाला काम, वो हम भैया पे मछली मारने नहीं गए थे, हम ओनली गए थे काई के लिए, गए थे वहाँ हम गए थे मछली को देखने के लिए। तो पर काम ही पूरा चुका है, अभी मैं यहाँ पे घर आया और भाई साहब ये सामने आ रखे हैं पेड़ों में सारे लंगूर, और आतंक मचा रखा है। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे ये लेके, क्या बोलते हैं उसको यार, गुलेल 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 गुलेर की गुलेर गुलेल। अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे गुलेल, बंदूक मैं यार बोल नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे, गुलेल 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 बोल नहीं पा रहा हूँ मैं, तो इसको लेके जा रहे हैं हम अभी यहाँ पे इन लंगूरों को तबाह करने के लिए। तबाह नहीं कर रहे मतलब इनको खाली खाली को डरा रहे हैं भाई यहाँ पे, आतंक बहुत मचा रहे हैं ऐसे, मैं समझना इनको मारने जा रहे हैं, मारेंगे तो नहीं यार, ऐसा मारी मार देंगे सालों को, पर नहीं मारते हैं बेचारों को। अभी यहाँ पे आदि चला रहे हैं गुलेल, देखते हैं भाई मतलब, पर यहाँ पे हमको पत्थर ही मिले डंगे पत्थर, सारे पत्थर हैं जो कि यार ये पत्थर ऐसे में जा तो सही रहा है पत्थर, पर नुकी रहे और ऐसे पत्थर हैं तो इसलिए उड़ जा रहे हैं पत्थर, हमको चाहिए जो भारी पत्थर जो किसी ठीक निशाने पर लगे, पर लग ही नहीं रहे यार ये। और गुलेल तो ये बहुत तगड़ी है, ये अभी मार रहे हैं यार पर लग नहीं रही। और यहाँ भाई रास्ता ही बन चुका है, और मंदिर का नया रास्ता है, देखते हैं आप, पहले तो उबड़ खाबड़ था पर अब थोड़ा ठीक बन चुका है, ठीक तो क्या बन चुका है पर ठीक ही बन चुका है उस हिसाब से। भाई मुझ रहे हैं चढ़ यहाँ पे गुलेल यार, तो अभी इसको तो आ रही, इसको तो भाई फुल ट्रेन है गुलेल में, और अब ये चलाएगा अपनी गुलेल, चला भाई अब देखते हैं इसकी कैसा, अब इसे तो पत्थर ही लग रहा है गुलेल के चलाएगा यार। भाई अग्निवीर अग्निवीर मेरे से चली गई, पता नहीं क्यों यार वो गलत जगह, मैंने अभी फेंका, मैंने सोचा वहाँ जाएगी पर वहीं पर जाके गिर गया पत्थर, अब ये फेंक रहा है कहीं भी फेंक दे उधर लंगूर पे जा, लंगूर को कर दे खत्म आज जान से, हंस के आ रहा है जल्दी मार, ये इसका पत्थर गया, अरे यहीं पे गया यहीं पे गया। तो भाई अभी यहाँ पे हम काफ़ी ऊपर आते थे, जिसने यहाँ पे ये मंदिर है नरसिंह देवता का मंदिर है अपना, इस मंदिर में हम पहुँच चुके हैं और यहाँ से मारेंगे इन सब पे निशाने भाई, जिसने अब यहाँ पे ट्विस्ट ही आ चुका है कहानी में, बंदर छोड़ चुके हैं नीचे इन पेड़ों में लंगूर मतलब, और हम आ चुके हैं ऊपर, तो ऊपर से मारेंगे सालों पे गुलेल। और ये अपने गाँव का पूरा मस्त नज़ारा भाई, अब थोड़े उसको सिनेमैटिक्स करो आप इंजॉय। हम लंगूर बैठे हैं, हमने उसे घेर रहे हैं, फटाफट ऊपर जा मेरे घर में, तो अभी यहाँ पे लंगूर को हम घेरने वाले हैं, भगा भगा इधर भगा, उधर आ गया साले, तो वो वहाँ पे बैठा हुआ है, उधर चले गया वो, छोड़ा हम और नीचे भाग गया, बेला खोला भाग गया, नीचे भाग चुका है भाई बंदर। और यहाँ पे आदि आदि यहाँ पे खड़ा है गया, तो भैया यहाँ पे लंगूर भी भगा लिया है यार, और थक काफ़ी लग चुकी है, शाम दिन के यहाँ पे 12:30 भी हो चुके हैं। ये भाई देख दोबारा ये भी देख लेंगे कैमरे पे आप, दिन के 12:30 हो चुके हैं और मुझे अभी नहाना भी है, थोड़ी देर बाद तो मैं नहाने के लिए, अभी तो फिलहाल हम कहीं काम से जा रहे हैं तो वहाँ तो मैं फ़ोन ले नहीं पाऊँगा, थोड़ी देर में मिलते हैं आप सीधा, फ़ोन रखता हूँ मैं, हाँ अभी नहीं भैया, मेरा प्लान कैंसिल हो चुका है अपना, मैं कल नहाऊँगा, अभी नहीं जा रहा, मैं मन नहीं कर रहा है नहाने का,
तो भाई अभी यहाँ पे यार दिन के 2 बजने वाले हैं और यहाँ पे अभी अपना लंच भी हो चुका है। मैं जाऊँ यहाँ पे आई था घर में, क्योंकि यार सामने हमारे जो यहाँ पे धारा पे पास में जो खेत है ना, वहाँ है सैतूत के पेड़ और लंगूर भाई उन सैतूत को खा रहे हैं। सैतूत को नहीं खा, सैतूत के पत्ते खा रहे हैं वो, तो इसलिए यार देख सकते हैं क्या इन्होंने आतंक मचा रखा है पूरे पेड़ों में। भाई इन्होंने पूरा आतंक ही आतंक ऐसा मचा दिया गाँव में। कभी किसी खेत में जा रहे, कभी कुछ खा रहे, कभी कुछ खा रहे, कभी सैतूत खा रहे। अच्छा मुझे लगा लंगूर है, इसलिए मैं जा रहा हूँ आईता के घर में। यहाँ सामने ये सा घर है, यहाँ पे देख सकते हैं ये सामने हमारी ये इसके पेड़ है सैतूत के, इसलिए आपको कि इन पर देखना पड़ेगा ना, ये वरना सारा खा देंगे सैतूत। पहुँच चुके यार मैं आधी घर पे और यहाँ से हम बैठे हैं, तो यहाँ ऐसे सीधा पीछे अपने खेत दिखते हैं, खेत नहीं अपने वो पेड़ दिख रहे हैं सैतूत के, जिसके क्या हमको चलता रहेगा पता कि लंगूर आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो यहाँ से बैठ के बस उनको देखते रहते हैं साथ में, और फिर उसके बाद क्या पता हम धारा चले जाएँ, धारा जाने चलते हैं। उसके बाद फिर चलते हैं थोड़ा धारा बैठने के लिए रोड में। तो बस भाई यहाँ भी यहाँ पे लग रहा है यार लंगूर मानेंगे नहीं, जिससे इस वाले पेड़ में भी है, इधर वाले पेड़ में अब कुछ नहीं हो सकता यार मुझसे भी। अब ये मान ही नहीं रहे हैं भाई साहब, अभी यहाँ रोड के सामने वाले खेत मार रखे हम, नहीं मानी जा रही है जुगाड़ कर रहे हैं। अरे जाली का बजट तो आया, पर ऐसे काम ऐसे जुगाड़ वाले काम होते हैं। जाली कुछ भी नहीं है भाई, कुछ पक्की जाली नहीं है ये, जिस हिसाब से मैं समझता ना पक्की जाली होगी, कुछ भी जाली नहीं है, ऐसे हिल रही है तो इसको तो कोई चिड़िया ही तोड़ देगी। हाँ यार ऐसे लोग का जाली लगा रखी भाई, चिड़िया तोड़ देगी ना। जब भी वो चिड़िया वो जाकर आ रही गाँव में डरा रही सबको, जो वो रात में चिड़िया ने चढ़ाया चढ़िया। अब यहाँ पे यार शाम के 4 बज चुके हैं और अभी मैं यहाँ पे घर आ चुका हूँ, और भाई लंगूर वगैरह तो पता नहीं यार भागे कि नहीं भागे, और भाई भाई यार इतना फ्रेम में बैठ पाई बार दिखाऊँ, और लंगूर वगैरह तो भाई भागा भी दिया हमने, कुछ नहीं भी भाग रहे कुछ। भाई लंगूर बहुत गुस्से वाले लंगूर है भाई, मतलब साले भाग ही नहीं रहे हैं। तो अभी हमको जाना है यहाँ पर गौशाला कोपल को पानी पिलाने, जो अगर देखा होगा लास्ट वाले व्लॉग में, तो बस निकलते हैं गौशाला की ओर। और अब मैं फ़ोन नहीं ला रहा है, व्लॉग में मन ही नहीं कर रहा है, बाकी शाम को देखते हैं हम जहाँ भी जाएंगे हम वहीं अपना व्लॉग वगैरह शूट करते हैं। तो चलते हैं गौशाला, अबे कैमरा कहाँ है गौशाला। अरे बच चुके हैं, हम यहाँ पे धारा पानी का डब्बा निकले, क्योंकि यार हमें तक इतना यहाँ पे गौशाला में आए थे हम गाय को पानी पिलाने के लिए, पानी गाय को पिला दिया है, एक डब्बा यहाँ पे पानी का खाली हो गया था, तो इस डब्बे को भर रहे हैं यहाँ पे पानी का, और साथ में खा रहे हैं नवरत्न नवरत्न खा रहे। फिर उसके बाद चलते हैं यार घर, धूप बहुत ही लग रही है गाँव में, मतलब बहुत ही तेज़ धूप बोल गई अब, मतलब गर्मियों का टाइम आ ही गया यार, कुछ टाइम बच जाएंगे गदेरे नहाने के लिए। अब क्या पता चले जाएँ होली तक चले जाए हम, अभी 10-15 दिन नहीं, कितने दिन में होली, 24 को होली है, तो 7-8 दिन में क्या पता हम चले जाएँ, क्योंकि घर जाने वाली है ना। चलते हैं हम घर। अरे मेरे से तो पूछ ले यार, तो मेरे सामने मेरे फूल तोड़ रहा है, ले लो अबे ले लो जी, दे दो बोल, मैं क्यों लूँ, मेरे फूल मैं ही लूँ। गोपी बोल रहा, मैं गोपी भाई, गोपी देख तुझे क्या बोल रहा है, इतना मारूंगा ना गोपी वाले। मैं इसको बोल रहा, इसने बोला भाई अभी यहाँ दिखाऊं वीडियो में दिखाऊं। भाई अब यहाँ पे शाम के 6 बजने वाले हैं, और हम अभी आ चुके हैं यहाँ पे अपने गांव की ऊपर वाली रोड में, और अभी मैं इसलिए व्लॉग नहीं बना कि यार मैं कुछ घर में कुछ काम कर रहा था, तो काम अब जाके पूरा हुआ है, और आज हम रात में जा रहे हैं रोड में। रात तो खैर क्या हुई, अभी शाम ही हो रही है, तो निकलते हैं बस रोड की तरफ ऊपर। ठीक है भाई, मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे कि वो होगा तो भाई अब यहाँ पे यार रात भी हो चुकी है, तो भाई ज्यादा देर तो यहाँ पे रहेंगे रोड में, फिर निकलते हैं यहाँ पे घर की ओर। और आज का यार व्लॉग ज्यादा बड़े नहीं बन पा रहे यार, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा व्लॉग बनाने का, मिनी व्लॉग सारे व्लॉग में मैं ही कंटिन्यू कर रहा हूँ भाई, भाई। और भाई आज मैं सोच रहा हूँ व्लॉग की एंडिंग यहीं पर कर देता हूँ, तो भाई कुछ ऐसे अच्छी वीडियो मिस करता हूँ, पसंद आई वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट व्लॉग में, और भाई अभी शूट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे फ्लैश लाइट के साथ में, अच्छा रहा है फ्लैश लाइट में पहली बार वाइड एंगल में शूट कर रहा हूँ, अभी रोड के जितने ये देखो चमक रहे होंगे इस साइड, देखो सारे ये रोड के चमक रहे हैं। तो बस मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।